आज दरभंगा के प्रतिष्ठित स्कूल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के छात्र छात्राओं के द्वारा गरीब स्लम बस्ती में लोगों के बीच पुराने कपड़ों का किया गया वितरण। जी हां, जीडी गोयनका के छात्रों के द्वारा एक अच्छी पहल समाज में संवेदनशीलता लाने हेतु प्रयास किया गया है, जो काबिले तारीफ है। बच्चों ने अपने पुराने कपड़े को अच्छे से धोकर एवं इस्त्री कर गरीब लोगों के बीच में वितरण किया। जैसे ही लोगों के बच्चे बस्ती में पहुंचे, वैसे ही उनके चेहरे पर खुशी की लहलहाट देखने को मिला, जहां बच्चों ने कपड़ों के साथ साथ खाने के लिए उन्हें बिस्कुट पानी इत्यादि साथ ले गए थे। इस कपड़े के वितरण के पीछे स्कूल का एक ही सोच था, हमारा अगर जो चीज़ पुराना हो जाता है वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, हम उसे रिसाइकल कर किसी के चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े बड़े घरों में जो सामान जैसे कपड़े छोटे हो जाते हैं उसको फेंक दिया जाता है। इन सब चीज़ बातों का ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच में एक नई पहल की गई है, ताकि वह अपने सामान जो वेस्ट समझते हैं उसे वेस्ट ना समझें, उसे रिसाइकल करके आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इसी का उदाहरण जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चों ने दिया, जहां 300 से 400 कपड़े वितरण किए गए लोगों के बीच में। मौके पर डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एवं सभी शिक्षक मौजूद थे। वी आर फीलिंग गुड After giving the clothes, we are feeling very good. Yes, this is good because we have this clothes. So they have also that clothes to wear because they have no clothes and they didn't get food even. उसका देने के बाद मुझे मैंने जो कपड़ा दिया मुझे देने में बहुत अच्छा लगा और हमें ऐसे ही हमेशा कपड़ा बांटना चाहिए जिन गरीबों को, और खाना भी बांटना चाहिए। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आगे भी कीजिएगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अनिका। उस टाइम हम लोग को अच्छा लग रहा था। आगे भी कीजिएगा। हाँ, करना चाहिए। ठीक चले कपड़ा पर, ठीक चले। हाँ, सब खुश चले, जकरा पहना देलके धिया पोता सके वो पहन लेलके, बिस्कुटो खाई सब देले। हाँ, ठीक चले ना, अहाँ के मन खुश होले ना? हाँ, खुश होले। तो हमरा खूब पसंद पड़ल है, बच्चा सबके दिलिए है, खूब पसंद पड़ल है, ऐसे खूब खुशी छी। और ऐसे बैठ के कुछ ऐसे बढ़िया, सबसे बढ़िया ही भेल बच्चा के दो दिलिए, खूब सब परिवार खुश छी। बहुत बच्चा के कपड़ा नहीं चले, बहुत के चले, लेकिन सबके दिलिए है, ऐसे बहुत खुशी छी। हाँ, दो देते तो आरो बढ़िया, पूरा परिवार एते पूरा जते फटकोरी चल रहा है, सब खुश रहते हैं। सब खुश रहते हैं। हाँ, तो खुशी है, आहू में खुशी है, एकदम खूब खुशी। एट जीडी गोयनका वी बिलीव द शेयरिंग इज केयरिंग, एंड विद दैट बच्चों को ये भी सिखाना कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, जो भी उनके कपड़े हैं अगर वो छोटे हो जाते हैं तो दे कैन रीयूज एंड शेयर इट। सो सेम चीज के लिए वी केम हियर फॉर द अंडर प्रिविलेज पीपल हियर, जिनको एक्चुअली सोसाइटी में जरूरत है। एंड बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि आप किसी चीज को अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग, हाउ विल बी नो टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर थिंग दैट यू हैव। तो वही चीज अब बच्चों को सिखाया ताकि दे विल बी एबल टू यूज द एंटायर वेस्ट दे हैव, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, राइट? सो विद दैट व्हाट वी हैव डन, हमने उसको क्लीन करा, आयन करा, एंड क्लीन करके आयन करके प्रॉपर साइज के साथ, प्रॉपर जेंडर के साथ, दैट वी हैव गिवन टू ऑल द पीपल दोज़ हू नीड इट। ये कपड़े बच्चे खुद लेकर आए, उनके खुद के हैं, खुद के घर के हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो आपका यही है ना कि आपके घर में जो वेस्ट है आप उसको यूज कैसे करेंगे। आप किसी को दे सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं, एक फील आती है बच्चे को, आज वो फील आई है कि हाँ मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो जीडी गोयनका का मेन एम यही है कि उसको समझ आए ये चीज कि आप कैसे यूज कर सकते हैं चीजों को। तकरीबन 300 प्लस पीपल विल बी हियर ना चाहिए, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके लिए तो वेस्ट है, आप उसको रखा रखोगे तो क्यों नहीं किसी को दे देते हैं, ठंड है क्यों नहीं कोई पहन सकता वो चीज़, तो आपको देना चाहिए। और बच्चे तो वो है जो फ्यूचर है, आप पहले से उनको वो चीज़ देंगे तो उनके अंदर वो फीलिंग इम्बाइब हो जाएगी, उनके अंदर आ जाएगी और वो शेयर करेंगे सबके साथ। दैट्स व्हाट वी ऑल आर डूइंग, पैंट, यू नो, फ्रॉक्स, देयर ड्रेसेस ऑल्सो, देयर स्वेटशर्ट, स्वेटर्स, मफलर, कैप्स, एवरीथिंग दे ब्रॉट। मेरा नाम मनिका है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जीडी गोयनका दरभंगा।
कपड़ा है तो वो ही हम लोग बच्चे ने दिया है सबको, एंड बच्चे का घर का मम्मी पापा एंड बच्चे का छोटा छोटा ड्रेस जो है सभी हम लोग यहाँ पे आके बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूट किया खुद अपनी तरफ से। थैंक यू। आज हम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के, मैं हिंदी टीचर उर्मिला मैम, यहाँ पर अपने बच्चों को साथ लेकर आई हूँ और हमारे साथ हमारे चेयरमैन सर, हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम, कुछ शिक्षकगण सभी मौजूद हैं हमारे साथ। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन बच्चों में आज के दौर में जो शिक्षा है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। शिक्षा का हर बच्चे बहुत अलग अलग क्रियाकलाप में आगे बढ़ रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक संवेदनशीलता है उसका अभाव देखने को मिलता है, जो कि मैंने महसूस किया। मैं एक हिंदी की अध्यापिका होने के नाते मैंने बच्चों में जो महसूस किया है वो ये कि बच्चे बहुत कम संवेदनशील हैं। उनके अंदर जो काइंडनेस एटीट्यूड है, जो कंपैशनेट की भावना है, लोगों के प्रति जो लविंग केयरिंग, ये यूनिवर्स एक पूरा ब्रह्मांड एक जैसा है और हमें सबके प्रति जो एक दयालुता की भावना, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, संवेदनशीलता की भावना, उसकी कमी बच्चों में बेहद कमी देखने को मिलती है। तो आज जब ये बच्चे यहाँ आकर के छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों को इस बस्ती में आकर के, और जो अर्धनंगे बच्चे हैं, जो भूखे बच्चे हैं, जिनके बदन पे वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं है, जिनके पेट में भोजन के लिए, जिनके पास उचित व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए उचित आवास नहीं है, उनके बीच जब ये बच्चे आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी संवेदनशीलता को वो तो एक तो अंजाम मिला ही होगा और वो समझ में आया ही होगा उनको कि ऐसी भी जिंदगी होती है जो जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने विद्यालय में एक कम्फर्ट लाइफ जीते, उनके पास सब कुछ, जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो खाना पीना, रहना खेलना, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, है ना। उनके बहुत ही अमीर परिवार से बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। तो जब वो बच्चे इन बच्चों के बीच आए हैं और देखे हैं उनकी अवस्था को, उनके हालात को, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर संवेदनशीलता जो है जागृत हुई होगी और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि बच्चे आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के तरफ से आरआरपी ईंट उद्योग में सारे बच्चे आए और उनका जो वेस्टेज कपड़ा था उसको कैसे मैंने ये गरीबों में वितरण किया जाए, इसका अनुभव बच्चों को जो है से दिलाया गया है। इसके लिए यहाँ जितने भी गरीब मजदूर सब कपड़ा लिए, वो बहुत उत्साहित है और जीडी गोयनका को आभार प्रकट करते हैं। साथ ही जीडी गोयनका को हम पूरे आरआरपी भट्टा, पूरे वर्कर के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि इसी तरीका से आए और गरीबों के उत्थान के लिए इसी तरीका से काम करें और शिक्षक संस्थान में बच्चों को आगे बढ़ाए और प्रोत्साहन करें।